हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके इस पोशाक की डिमांड पर मैं इसे 8 नंबर का पोशाक बनाने के लिए बता रही हूँ। 8 नंबर का पोशाक बनाने के लिए चोली जो बना है इसकी इसके जो चैन है ऊपर में गले पर जो चैन पड़े हैं उसके घर को हम 28 चैन लेंगे उसके लिए, ठीक है। देखिए इसमें हम 28 चैन ले चुके हैं। 28 चैन लेने के बाद में अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए 28 चैन लेने के बाद में एक और एक ये दो दो चैन हम एक्स्ट्रा लिए, फिर इस चैन को छोड़कर इसके पीछे वाला चैन से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए एक बनाए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गया, अब ये तीन हो गया, इसके बाद ये चार हो गया। चार डबल क्रोशिया कर लेने के बाद में फंदे लेंगे, लेकर इस चैन से एक डबल क्रोशिया करेंगे और फिर एक चैन लेंगे और फिर इसी चैन पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमारा चार डबल क्रोशिया प्लस एक में दो डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। अब हम आगे फिर चार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार, फिर हम एक चैन से दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया चैन, फिर ये दूसरा उसी चैन से डबल क्रोशिया। ये 8 नंबर की चोली बन रही है, 7 से 8 नंबर की। फिर हम 8 डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात और ये रहा 8। 8 हो जाने के बाद में फिर हम एक चैन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। ये एक डबल क्रोशिया हुआ, फिर चैन लेंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें फिर आगे 4 और डबल क्रोशिया करना है, एक दो तीन और ये रहा 4। फिर हम एक डबल क्रोशिया एक चैन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये एक, फिर चैन लेंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशिया उसी चैन से करेंगे, यानी हम इस लाइन में 4 बार एक चैन से 2 डबल क्रोशिया किए, ठीक है। अब फिर हम 4 प्लेन डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। ये रहा चौथा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये एक यहाँ पर आपका बना, एक चैन से 2 डबल क्रोशिया और फिर एक इस जगह पर बना, फिर एक इस जगह पर और फिर एक इस जगह पर, एक दो तीन और ये रहा 4, ठीक है। अब इसे ही हम पलट लेंगे इसे और फिर 2 चैन लेंगे और फिर इस चैन को छोड़कर इस चैन से हम फिर से डबल क्रोशिया तब तक करेंगे जब तक हम इस स्थान पर ना पहुंच जाएं, ठीक है। देखिए अब हम इस स्थान पर पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पर फिर इसके अंदर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर चैन लेंगे एक, फिर दूसरा डबल क्रोशिया भी उसी स्थान से करेंगे। इस तरह हमारा यहाँ एक एक जो है एक एक लाइन हमारा एक एक घर हमारा इधर भी एक बढ़ गया, इधर भी एक बढ़ गया घर हमारा यहाँ, मतलब कि इसकी चौड़ाई हमारी जो है ये बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब हम फिर उसी तरह जब तक हम उस स्थान पर नहीं पहुँचेंगे तब तक हम डबल क्रोशिया करते रहेंगे। हमें 4 बार
डबल एक चैन से दो डबल क्रोशिया करना है। अभी हमारा एक हुआ है, कि अब हम फिर उसी स्थान पर पहुंच गए हैं। फिर हम यहाँ से डबल क्रोशिया दो बार करेंगे, एक हुआ, फिर चैन लेंगे, फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम आगे इसी तरह हम पूरे इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जहाँ हमें डबल क्रोशिया दो बार करनी है हम दो बार करेंगे। एक लाइन में हमें चार बार डबल क्रोशिया एक ही स्थान से करना रहता है। ये हमारा दूसरा रो कंप्लीट हुआ इस तरह से। अब हम ये मैं 6 प्लाई ऊन से बिन रही हूँ, आपको 4 प्लाई ऊन लेनी है। ठीक है, 6 प्लाई ऊन से बिनने पर ये जो हम 5 रो करना रहता है वो हम रो एक कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें 4 प्लाई से करना है, तो 4 प्लाई में हमें 5 लाइन बिनना है। तो आप इस तरह से 5 रो कंप्लीट कर ले, 1, 2, 3, ये तीसरा है। देखिए मैं जैसे कि इसमें हम बना कर रखे हैं 5 रो, ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 के बाद अब आपको हम ये बाँह बांटने के लिए बताते हैं। अब मैं आपको इस कलर में बतला रही हूँ। देखिए इस कलर में ये 5 रो मैं बिन चुकी हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। 5 बिनने के बाद में इसे हम बाँह किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो ये हम अपना जो 2 चैन लेते हैं ले लिए, इसके बाद फिर इस जगह पर से हम बिनते हुए चले जाएंगे जब तक हम इस जगह पर नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, अब हम इस स्थान पर पहुंच गए हैं। अब हम जब भी बाँह को गिराते हैं तो ये एक जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक डबल क्रोशिया, इसको हम छोड़ देते हैं बिनने में, और ये जो हम देख रहे हैं आप इसके जस्ट बगल में, इसे भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम फंदे लेंगे और हम यहाँ पर से चैन नहीं बनाएंगे, यहाँ से डबल क्रोशिया, इसके अंदर हम हुक को डालेंगे
और ठीक इस स्थान पर, देखिए इस स्थान पर हम हुक को निकालेंगे और इस तरह से दोनों को एक साथ बिन देंगे इस तरह। तो ये हमारा बाह निकल गया, ठीक है, बाह निकल गया। अब हम जैसा कि आपको अभी बतलाएं कि एक हम डबल क्रोशिया छोड़ देते हैं, तो हम ये डबल क्रोशिया छोड़े थे हम, अब हम इसे ये डबल क्रोशिया भी हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि कमर के पास अगर चौड़ा रहता है तो अच्छा नहीं शेप उतरता है, थोड़ा सा पतला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम ये डबल क्रोशिया छोड़ दिए और इससे हम फिर से बिनना शुरू करेंगे इस तरह से। मैं इसमें अलग अलग कलर यूज कर रही हूँ, लेकिन आप इसमें नेवी ब्लू कलर है, ये नेवी ब्लू कलर है, आप नेवी ब्लू कलर से बनाए या आपको जैसी अपनी इच्छा। यहाँ मैं जो कलर इस्तेमाल की हूँ पोशाक में, वो मैं कलर आपको बतलाई। अब देखिए हम फिर से उसी स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां से हमें इसका दूसरा बाह निकालना है। तो हम जैसा कि बतला चुके हैं कि एक ठो डबल क्रोशिया जो है इसे हम नहीं बीनेंगे और हम इस तरह से हुक को डालकर और इस स्थान पर हुक निकालेंगे और एक डबल क्रोशिया हम कर लेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया कर लिए। अब हम फिर देखिए आपका ये दूसरा बाह निकल गया। अब हम फिर फंदे लेंगे और इस जगह पर हुक को ना डालकर इस जगह पर हुक को डालेंगे और हम इसका पूरा बिनाई कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये एक लाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें एक लाइन और बिनना है जो कि पूरा प्लेन, कहीं ना घर घटेगा ना बढ़ेगा कुछ नहीं, बिल्कुल डबल क्रोशिया प्रत्येक चैन पर एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। ये इस तरह से हो गया। अब हम दोनों को यहाँ आपस में जोड़ देंगे सबसे पहले। इस तरह से हम जोड़ दिए। अब एक हमें एक बार हमें और इस लाइन को कंप्लीट करना है। ये लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद ये आस्तीन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें घेरा बनानी है। देखिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसे आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, जोड़कर हम इसे बंद कर देंगे, ठीक है। ये हमारा 7 से 8 नंबर तक का चोली तैयार हो गया, ठीक है। अब आप इसमें इस तरह से, मैं यहाँ पर बॉर्डर दी हुई हूँ, आप इसमें बॉर्डर दे ले। यहाँ से बॉर्डर देने के बाद में इसे दो तरीका से बनाया जा सकता है।
सबसे पहला तो कि अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से घेरा बनाना चाहती हैं तो आप इसके नीचे देखिए इस तरह से आप एक एक पंख को लगाती चली जाएं तो आपका घेरा बड़ा हो जाएगा। एक यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए, एक वहाँ लगाइए, इस तरह से आप लगाती चली जाएंगी तो आपका घेरा बड़ा हो जाएगा, जो कि 7 से 8 नंबर तक के कान्हा जी का हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपको इसमें जो पसंद आया आप उसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें ब्लू कलर के, नेवी ब्लू कलर के ऊन को जोड़ लें, ठीक है। जोड़ने के बाद देखिए इस तरह से बना लें, सबसे पहले आप इस तरह से नेवी ब्लू कलर के ऊन से बना लें, फिर इस कलर के ऊन से ये चीज़ बना लें, ठीक है, ये चीज़ बना लें। इसके बाद इस कलर के ऊन से, यानी कि जो हम पंख में कलर दिए हैं उसी कलर को अगर आप बनाते चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर भी मैं देखिए इस कलर से मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ये हम हमेशा साइड से शुरू करते हैं, तो साइड से शुरू करेंगे, यहाँ हम उनको जोड़ लेंगे इस तरह से, इस तरह से मैं आपको इतनी दूरी पर बताऊंगी, ठीक है। इतनी दूरी पर आप इसे पूरे गोल, प्रत्येक में प्रत्येक लाइन में आप पूरे गोल बनाती चली जाएं, ठीक है। देखिए ये दो हम ले लिए, दो लेने के बाद में इस जगह से हम डबल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद फिर फंदे लेंगे, दो फंदे लेंगे हम, दो फंदे लेने के बाद में इस तरह से फिर इसे हम 1 2 3 तीन बार में गिराएं, फिर एक फंदे लेंगे, फिर इसे हम दो बार में गिराएंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर हम एक बार यहाँ इस तरह डालकर ऐसे निकाल लेंगे, करने के बाद में फिर इस जगह पर हुक को डालेंगे और इसे ऐसे ले आएंगे। अब फिर हम फंदे लेंगे और इस तरह से तीन हो गया हमारा, इसे हम दो बार में गिराएंगे, 1 2, फिर हम फंदे लेंगे, दो फंदे लेंगे, अब हम दो फंदे लेने के बाद में इसे हम तीन बार में गिराएंगे, देखिए 1 2, और ये रहा 3, फिर हम फंदे लिए और इसे हम दो बार में गिराएंगे, 1 और ये रहा 2, फिर हम इसे यहाँ इस तरह डालकर ये बंद कर लेंगे, फिर हम अगला चैन में डालेंगे और डालकर इसे इस तरह से बंद कर लेंगे। इसी तरह हम करते हुए अपना ये पूरा रो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप पूरा रो कंप्लीट कर ले, हम इसमें आपको कम पर बताएंगे। ये 3 है, एक और हम ले लेते हैं, इस तरह से देखिए हम इस चार जो चार हम पीस बनाए हैं, 1 2 3 4, चार पर ही हम आपको बतला रहे हैं, आप इसमें ये पूरा लाइन को कंप्लीट कर लें गोलाई से, ठीक है। उसके बाद आप जो हम अभी यहाँ बतलाएंगे वो चीज़ उसके बाद से आप स्टार्ट करें। अब हम इसमें इस कलर के ऊन को लगाएंगे, इस तरह से हम इस जगह पर हुक को डालेंगे और
एक दो, दो बार गिराएं और फिर हम इस जगह पर हुक को डालेंगे, अगला चैन जो है, अगला जो है उस पे डालकर निकालेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर एक और दो, दो में गिरा दिए हम, अब हम दो फंदे लेंगे इस तरह से, दो फंदे लिए और अगला में इस तरह से एक दो तीन, तीन में गिरा दिए, फिर हम दो फंदे लेंगे और एक दो तीन, तीन में गिराए, फिर हम एक बार और दो फंदे लेंगे, यानी हमें एक चैन से तीन बार इस तरह से करना है। ये हो गया, फिर हम एक फंदे लेंगे और इसमें इस तरह से दो बार में हम गिरा दिए, फिर अगला में हम डालेंगे और इस तरह से दो बार में गिरा दिए। अब हमें इस ये जो बीच का जो चैन है, देखिए जो बीच का चैन है, इस जगह पर हम हुक को डालेंगे और इसे बंद कर देंगे, इस तरह से हम बंद कर देंगे। फिर एक चैन हम लेंगे, देखिए आपका इस तरह का बन जाएगा, यानी समझिए तो छोटा पंख आपका बन जाएगा। इसके ऊपर से एक ग्रीन कलर का लेयर भी आप चढ़ा दें तो और अच्छा लगेगा। बीच से हमें तीन बार बनानी है, फिर साइड से एक बार, एक और दो दो में गिरा देना है, यानी हमें डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद फिर बीच में धागे को डालकर इस तरह से हमें बंद कर देना है। फिर हमें फंदे लेना है और इस साइड वाला से हमें इसे डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, और फिर उसके ऊपर वाला से भी हमें डबल क्रोशिया करना है। और इस बार हमें दो फंदे लेने हैं और ये जो देख रहे हैं बीच का, इसमें से हमें डबल क्रोशिया, डबल सॉरी दो तीन बार में हमें गिराना है, फिर हमें फंदे लेना है और फिर इसी तरह हमें ये अगला रो को भी इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये ऐसा बनकर तैयार होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर से एक आप ग्रीन कलर का लेयर चढ़ा दें। ग्रीन कलर हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, इस तरह हम जोड़ लिए, एक चैन दो चैन ले लिए। अब हमें ये पहला वाला चैन में हमें इसे दो बार में गिराना है, एक दो, फिर हम फंदे लेंगे और इसी तरह हम दो बार में गिराएंगे और इस बार हम डबल फंदे लेंगे और हमें एक दो और तीन, तीन बार में गिराना है, फिर हम डबल फंदे लेंगे और इस बार हमें बगल में, देखिए बीच का जो हो गया उस स्थान पर जाना है और एक दो तीन बार में गिराना है और फिर डबल फंदे लेंगे और बीच वाला जो चैन है इससे हम दो बार, इस बार हम इससे दो बार निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, अब फिर हमें डबल फंदे लेने हैं और इसके पीछे जो चैन है उससे हमें एक दो तीन इस तरह बिनना है, फिर हम एक फंदे लेंगे और
डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए एक बार हुआ, इसके नीचे जो है इसे भी हम डबल क्रोशिया करेंगे और फिर लाकर हम इस स्थान पर इससे बंद कर देंगे ऐसे। फिर एक चैन लेंगे तो देखिए आपका ये चीज ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा जब बन जाएगा तो फिर आप देखिए जैसे कि हमारा ये चीज यहाँ गया है, यहाँ से हमारा पंख जो है सो बनकर जुटना शुरू हुआ है। देखिए यहाँ से हमारा पंख बनकर जुटना शुरू हुआ है, यहाँ तक हमारा आस्तीन था। तो अब हम चूंकि यहाँ तक हमारा आस्तीन जो है सो यहाँ से यहाँ तक पड़ गया, हमारा आस्तीन यहाँ से यहाँ तक पड़ गया। ठीक है, यहाँ तक बढ़ जाने पर जो हम यहाँ पर ये लगाएंगे, देखिए यहाँ तक पड़ गया। अब हम जो ये पंख लगाएंगे तो पंख हमें इस तरह से लगाना है, इस तरह से करके हमें पंख लगाना है। तो आपका देखिए ये चीज़ इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया आपका। तो फिर अब हमें ये बड़े कान्हा जी का घेरा आराम से इसमें तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसमें बना लें, इसमें इसी तरह करें। आपका ये चीज़ जो है सो देखिए यहाँ से यहाँ तक आएगा, आस्तीन यहाँ रहेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से तो आपका घेरा का लंबाई जो है सो यहाँ से इतना बढ़ जाएगा और ये आपका आस्तीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे बना लें। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप सबसे पहले आस्तीन बना लें। आस्तीन आप 28 चैन से स्टार्ट करें, 5 रो में बनाएं और 2 रो यहाँ प्लेन बिने। इसके बाद फिर आप अगर चाहते हैं तो इस कलर के ऊन से सबसे पहले यहाँ पर दें नेवी ब्लू से, फिर ये फिरोजी कलर से दें, फिर इस कलर से दें, इसके बाद फिर ग्रीन कलर से दें। आप जितना इसमें कलर जो पंख का है दिया हुआ है वो आप पंख का कलर दे सकते हैं। देने के बाद इस तरह से आपका एक छोटा पंख तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इस पंख को इस तरह से बीचों बीच से इस तरह से जोड़ें तो आपका पोशाक 8 नंबर के कान्हा जी का बनकर तैयार हो जाएगा, घेरा इसका बढ़ जाएगा। और ये दूसरा तरीका हुआ। पहला तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें कि ये आप इस तरह से बीचों बीच में, इस तरह से बीचों बीच में दे करके आप दूसरा तरीका से बना सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।